नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोटिवेशन में। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ओप्पो F11 प्रो एंड ओप्पो F9 प्रो और राइट साइड में देख रहे हैं ओप्पो R17 प्रो। तीनों में ही अपने को ओप्पो की वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ओप्पो F11 प्रो में वूक 3.0 देखने को मिलता है हालांकि, और ओप्पो F9 प्रो में वूक चार्ज, और ओप्पो R17 प्रो जो राइट साइड में उसमें आपको सुपर वूक फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में ओप्पो की इन तीनों चार्जिंग का टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फास्ट है। अपने को पता है कौन सा फास्ट ज्यादा है, लेकिन कितना डिफरेंस है तीनों ही ओप्पो की इस वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी में। तो इस वीडियो में इन्हीं का कंपैरिजन हम करेंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे 10 मिनट का चार्जिंग टेस्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ओप्पो R17 प्रो है जिसमें आपको 3700 mAh बैटरी देखने को मिलती है, उसमें कंपनी बोलती है कि यहाँ पे 10 मिनट में करीब आपका 40% यहाँ पे आपका ये चार्ज हो जाता है ओप्पो R17 प्रो। तो इसका टेस्ट हमने किया, तो 10 मिनट अगर चार्जिंग टेस्ट की बात करें तो हम 10 मिनट के चार्जिंग लेवल पे पहुंचने वाले हैं और देखेंगे कि ये दोनों भी 10 मिनट में कितनी देर में पहुंचते हैं। तो यहां पे 10 मिनट और कुछ सेकंड का चार्जिंग टाइम की अगर बात करें, 10 मिनट 9 सेकंड 10 सेकंड, तो यहां पे 41% के चार्जिंग लेवल पे यहां पे Oppo R17 Pro पहुंच गया, और F9 Pro यहां पे 19% पे और Oppo F11 Pro 17% पे था। तीनों में बैटरी की बात करें तो अलग-अलग देखने को मिलती है। 3700 mAh R17 Pro में, Oppo F9 Pro में आपको मिलती है 3500 mAh, और Oppo F11 Pro में आपको 4000 mAh देखने को मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग हम परसेंटेज भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे Oppo R17 Pro 50% 13 मिनट में पहुंच गया, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट सुपर वूक फ्लैश चार्ज आपको ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कोई भी स्मार्टफोन जो चार्ज होता है वो 90% के चार्जिंग लेवल तक काफी फास्ट चार्ज होता है, तो सबसे पहले क्योंकि ऑब्वियसली Oppo R17 Pro 90% पे सबसे पहले पहुंचेगा, तो देखते हैं कि कितने देर में Oppo R17 Pro 90% के चार्जिंग लेवल पे पहुंचता है। और साथ में यहाँ पे उतनी देर में Oppo F11 Pro, Oppo F9 Pro जिसमें वूक और वूक 3.0 देखने को मिलता है, ये कितने परसेंट चार्ज होता है। तो यहाँ पे तीनों चार्जिंग टेक्नोलॉजी का कंपेरिजन करना इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें Oppo R17 Pro की, तो 90% चार्जिंग लेवल पे पहुंचने के लिए इसने यहाँ पे टाइम लिया अपना पहुंचने वाले चार्जिंग लेवल पे, तो यहाँ पे पहुंचे 26 मिनट्स और यहाँ पे 18 सेकंड के आसपास यहाँ पे 90% चार्जिंग लेवल पे पहुंच गया Oppo R17 Pro। और ये अगर बात करें F9 Pro 50% पे है और F11 Pro 42% पे, तो वो यहाँ पे आप परसेंटेज कंसीडर मत करें क्या, क्योंकि mAh ज़्यादा है F11 Pro में। और इसके अलावा आप बात करें कि यहाँ पे Oppo R17 Pro 100% चार्जिंग लेवल पे पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो इसको भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। बाकी वूक चार्ज और वूक 3.0 चार्ज इन सब में कितना डिफरेंस है वो आगे चल के हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों में अगर परसेंटेज भी आप मच जाइएगा, 4000 mAh F11 Pro में आपको बैटरी है देखने को मिलती है और यहाँ पे इसमें 3500 mAh बैटरी सिर्फ है, तो एक बार परसेंटेज का भी डिफरेंस आगे चल के कम होता जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो एक बार के लिए आप वीडियो एंड तक देखना प्लीज। और यहाँ पे सब बात करें Oppo R17 Pro की, 3700 mAh बैटरी अपने 100% चार्जिंग लेवल पे पहुंच गई 34 मिनट और 32 सेकंड के आसपास यहाँ पे टाइम हुआ, और ये अपना 100% चार्जिंग टेस्ट यहाँ पे इसका Oppo R17 Pro का कंप्लीट हो गया। तो काफी सुपर फास्ट है, और यहाँ पे पास में F9 Pro पड़ा है वो 65% पे, और ये 55% पे 4000 mAh बैटरी F11 Pro की पहुंच गई। तो यहाँ पे Oppo का जो सुपर वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो अपने को काफी फास्ट देखने को मिलता है, कंपेयर टू अगर देखें F9 Pro में वूक चार्ज और यहाँ पे F11 Pro में वूक 3.0। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वूक और वूक 3.0 में कितना डिफरेंस है। F9 Pro में वूक चार्ज और F11 Pro में वूक 3.0 आपको फिर से बता देता हूँ, और फिर से एक बार और बता देता हूँ कि 3500 mAh सॉरी बैटरी F9 Pro में है और 4000 mAh यहाँ पे बैटरी जो है F11 Pro में है। तो यहाँ पे इनका भी 90% सबसे पहले कंपेरिजन करेंगे, तो 53 मिनट्स में यहाँ पे ये F9 Pro पहुंच गया 90% पे और ये 84% पे है। लेकिन अगर आप एमएस निकालेंगे तो 4000 का 84% निकालेंगे तो 3360 mAh आएगा, और यहाँ पे आप 3500 का 90% निकालेंगे तो 3150 mAh आएगा। तो करीब यहाँ पे 210 mAh ज्यादा चार्ज किया F11 Pro ने। तो यहाँ पे वूक चार्ज और वूक 3.0 का फर्क देखते हैं 90% तक, तो 200 mAh ज्यादा चार्ज होता है वूक 3.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी में इन दोनों स्मार्टफोन में हमने देखा। यहाँ पे ये तो बात थी 90% की, लेकिन अब अगर 100% की हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। अभी तो 210 mAh से डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे आप Oppo जो F11 Pro का 100% चार्जिंग लेवल पे पहुंच गया और ये 98% पे था, और एक ही सेकंड के बाद, एक दो सेकंड के बाद ये फिर से 99% पे पहुंच गया। तो यहाँ पे इनका एमएस ये तो पूरा का पूरा 4000 mAh चार्ज हो गया, और इसका अभी आप एमएस अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं 99% पे। तो यहाँ पे भी डिफरेंस करीब 535 mAh, 550 के आसपास mAh का डिफरेंस आएगा 100% तक पहुंचने में। तो ये था तीनों चार्जिंग टेस्ट, जहाँ पे ये भी 100% में पहुंच गया,
लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करें चार्जिंग स्पीड का, तो 90% तक जो डिफरेंस था वो 210 mAh ज़्यादा चार्ज किया था वूक 3.0 में, और यहाँ पे ये फिर 550 के आसपास 100% तक डिफरेंस आ गया। और सुपर वूक की बात करें तो वो तो काफ़ी यहाँ पे सुपर चार्ज था, सुपर फास्ट चार्ज था, तो उनका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों स्मार्टफोन का मैंने आपको वूक, वूक 3.0, सुपर वूक टेस्ट दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।